एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं मेकअप फ्रेंड। आप सावन का महीना चल रहा है, राजस्थान में सावन का महीना बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हरियाली तीज भी आ रही है फ्रेंड। तो मैं आज आपको सिंपल मेकअप लेकर आई हूँ कि आप सिंपल मेकअप किस तरह से कर सकते हैं घर बैठकर। आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। अगर उसके पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कर दीजिए। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सिंपल मेकअप कि आप सावन के महीने में किस तरह से मेकअप कर सकते हैं और हरियाली तीज पर भी रेडी हो सकते हैं। आज मैंने लहरिए की साड़ी पहनी है जो राजस्थान में काफ़ी प्रचलित है। पूरा सावन, सभी लोग सावन में लहरिए की साड़ी पहनती हैं और सारी महिलाएं बहुत स्मार्ट लगती हैं। ये सोचिए कि आप पूरे राजस्थान में आपको ज़्यादातर सब लहरिए वाली साड़ी में ही दिखेंगी, ओनली सावन के महीने में। फिर वो साड़ियों को वापस रख देती हैं और फिर जब नेक्स्ट सावन आता है तो निकालती हैं या नई लेकर आती हैं, लेकिन लहरिया पहनती हैं। ये यहाँ की खासियत है राजस्थान की, मैं आपको बता दूँ। राजस्थान में लहरिए का काफ़ी प्रचलन है, बिकता बहुत ज़्यादा है और कई जगहों से बहुत डिमांड है लहरिए की, क्योंकि लहरिया पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये सिंपल सा लहरिया पहन रखा है। चलिए, बातें बहुत हो गई राजस्थान की, तारीफ भी बहुत हो गई, अब आते हैं मेकअप पर। तो आपको मैंने आईज़ मेकअप कर लिया है फ्रेंड, क्योंकि मुझे आईज़ मेकअप में थोड़ा सा टाइम लगता है और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको आईज़ मेकअप बताया भी था कि किस तरह से करना है। बहुत सिंपल सा आईज़ मेकअप किया है मैंने, कोई हैवी नहीं किया है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा ग्रीन टच दे दिया है ओनली मैंने। तो मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेती कि आपको कौन सा ब्रांड यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको फेस पर प्राइमर अप्लाई करना है। ये मैं हुडा ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, अच्छा आता है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। मैंने क्रायलोन का, बहुत से मेरे जो यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरे को सजेशन दिया था कि मैम क्रायलोन के प्रोडक्ट अप्लाई करो। आपका कहना सही है कि मैंने क्रायलोन का भी अप्लाई किया था, लेकिन फ्रेंड मेरे फेस पर सूट नहीं हुआ। क्रायलोन के जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए उससे मैं संतुष्ट नहीं हुई। ऐसा मेकअप, उसके प्रोडक्ट ख़राब नहीं कहती हूँ मैं, लेकिन फ्रेंड मेरी स्किन को शायद सूट नहीं हुए। बहुत से मेरे यूट्यूबर फ्रेंड ने कहा कि मैडम आप क्रायलोन के यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा मेकअप होता है। फ्रेंड मेकअप तो अच्छा हुआ लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मुझे जिस प्रोडक्ट में संतुष्टि होती है मैं वही लगाती हूँ, चाहे वो बहुत बड़ा ब्रांड हो या बहुत छोटा ब्रांड हो। मैं ब्रांड पर नहीं जाती, मुझे अंदर से अच्छा फील होना चाहिए कि मैंने मेकअप अच्छा किया है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि आपको परफेक्ट मेकअप सिखाती हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, मैं इतनी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी सिटी से हूँ, तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ जो आपके काम आए। तो आप याद रखिए कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने शायद सीखा नहीं है प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा सिखा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्राइमर ले लीजिए, अच्छे से प्राइमर को फेस पर अप्लाई कर लीजिए। आपको घर पर कैसे मेकअप करना है मैं आज वो आपको बता रही हूँ। तीस का त्यौहार भी आ रहा है और आप सावन में भी किस तरह से रेडी हो सकते हैं। देखिए, आज मैंने बैंगल्स भी पहन लिए हैं ग्रीन कलर के फ्रेंड, मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। हरियाली सावन में सब लोग बहुत चूड़े वूड़े पहनते हैं, तो मैं भी खरीद कर लेकर आई हूँ फ्रेंड। अच्छी तरीके से आपने
प्राइमर अप्लाई कर लिया है। मैं आपको कोई ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बहुत ही लाइट मेकअप बता रही हूँ जो आप आराम से घर पे कर सकते हैं। फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा अगर आपका डार्क सर्कल है तो आप पैनकेक यूज़ कर सकते हैं। ये पैनकेक अपने डार्क सर्कल पर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड। मैंने अपने डार्क सर्कल पर पैनकेक नहीं ये स्विच लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको बिल्कुल रगड़ना नहीं है, आपको डिप डिप करके फैला लेना है। उसके बाद आपको पैनकेक आप फाउंडेशन ले लीजिए। मैं आज फाउंडेशन ले रही हूँ कलर मैच का, अच्छा है, मैंने ये दो चार बार यूज़ किया है, मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे लगे, तो आज मैं बताती हूँ। ये फेस को बहुत अच्छे से कवर कर देता है। मैंने आज पूरे फेस पर पैनकेक नहीं लगाया है, मैं आपको ओनली फाउंडेशन और पैनकेक का मेकअप दिखा रही हूँ कि आप सिंपल तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। आपके जहाँ जहाँ डार्क सर्कल हैं आप ओनली वहाँ वहाँ पैनकेक यूज़ कर लीजिए। मुझसे मेरे यूट्यूबर भी बोलते हैं मैडम आप कंटोरिंग नहीं करती हैं, तो सर कंटोरिंग कोई हैवी फंक्शन हो या कुछ बड़ा फंक्शन हो, घर में कुछ बड़ा फंक्शन हो तो कंटोरिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फेस लंबा गोल दिखाना है तो कर लीजिए, ऑलरेडी मेरा फेस लंबा है, कंटोरिंग करने से वो फ्रेंड और भी लंबा दिखता है, जो शायद मुझे पसंद नहीं आता। हो सकता है कि कंटोरिंग का मैंने एक डाल रखा है तो मुझे अपनी ट्रिम समझ में नहीं आई, और जब तक मुझे अपना मेकअप समझ में नहीं आता फ्रेंड, वो चाहे किसी को कितना भी अच्छा लगे, मुझे अपना मेकअप पसंद आना चाहिए कि मैं अपने आईने में अपना फेस बार बार देख सकूं। चलिए फ्रेंड पैनकेक लगा लिया है डार्क डार्क सर्कल पर, अब ये आता है फाउंडेशन, देखें ये कितना फेस कवर करता है। मैंने ये दो तीन बार अप्लाई किया है, फिर मैं आज आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ, देखते हैं कि इसका किस तरह का रिजल्ट है। आपको थोड़ा सा और फाउंडेशन लेकर अपना जो ब्लशर एरिया है आप उस पर अच्छे से मैश कर लीजिए, हल्का से हल्की सी क्वांटिटी आप और लेकर अपना जो आपका ब्लशर एरिया है आप वहाँ फाउंडेशन लगा लेंगे। बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, ये आपका जो कंटोरिंग करते हैं तो वो मैंने आपको फाउंडेशन का कंटोरिंग बताया है,
क्योंकि फेयर कलर पर तो कंटोरिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सांवले कलर पर मुझे लगता है शायद अच्छा तो लगता है लेकिन वो दिखता है फ्रेंड। तो ये देखिए मैंने हल्का सा फाउंडेशन उस ब्लशर एरिया में लगा लिया है जहाँ जहाँ ब्लश होता है। उसके बाद आप आईब्रो पेंसिल लगा लीजिए। मैं आईब्रो पेंसिल के लिए ब्रश वाली आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आप मस्करा लगा लीजिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने आई शेडो लगा रखा है। मस्करा लगा लीजिए। अगर आपको मेकअप की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज़ आप आईब्रो और आईज़ के बीच का जो हिस्सा है वो पकड़कर ऊपर उठाकर लगाइए, जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताती हूँ। और अगर आपकी मेकअप की अच्छी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड में लगाइए। उसके बाद आप नीचे वाला आईलाइनर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आज मैं आपको नीचे वाला आईलाइनर भी लगाकर दिखा देती हूँ। आपको बिल्कुल कॉर्नर एरिया लेना है। ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करना है। सूखने दीजिए इसको, दूसरी साइड पर लगा। आपको अपने कॉर्नर एरिया का विशेष ध्यान रखना है कि आपका कॉर्नर जो एरिया है वो परफेक्ट हो, क्योंकि जब तक लाइनर के कॉर्नर नहीं बनते हैं आपका आईलाइनर परफेक्ट नहीं होता है। अब आप लास्ट में जाके जब आपका आईलाइनर सूख जाए तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा गोल्डन कलर का आई शेडो लीजिए और अपने गोल्डन कलर के आई शेडो को हल्का सा कॉर्नर लाइन में लगा दें। सूखने के बाद, लाइनर जब सूख जाए उसके बाद आप हल्का सा इस तरह से दोनों साइड में लगा लीजिए। और ये आईज मेकअप कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो अंदर काजल लगा लीजिए। मैं अंदर की काजल बहुत कम लगाती हूँ। तो ये आईज मेकअप हो गया। उसके बाद आता है आपका लिपस्टिक। तो आप लिपस्टिक किसी के कलर भी की भी लगा सकते हैं। अभी मैंने ग्रीन साड़ी पहन रखी है और मैं चाहूँगी कि मैं रेड कलर की लगाऊँ क्योंकि रेड कलर मेरा फेवरेट भी है और काफ़ी जब सुहागन मेकअप करती है तो रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। तो आप आउटलाइन लगा कर लगाइए। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट लगाइए। देखिए आपको लगाना किस तरह से, मैं लगाने का तरीका बता देती हूँ। बहुत ही ईजी तरीका है। सबसे पहले तो आप ऊपर की ओर वी शेप बना लीजिए। दिख गया आपको? आप कॉर्नर बना लीजिए। कॉर्नर बनाने के बाद अपने हॉट को शेप दे दीजिए। और ये आपकी परफेक्ट लिपस्टिक लग जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। रेड कलर है तो आप थोड़ा सा इस पर ग्लॉसी लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
लिपस्टिक लगाने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे बिगड़ भी जाती है तो आप अपना उंगली का टच ले सकते हैं बीच में और इस तरह से यू शेप बना सकते हैं। और अगर मैंने आपको बता चुकी हूँ, अगर आपकी लिपस्टिक बिगड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो आपको बिल्कुल हाथों से क्लियर नहीं करना है, पैनकेक या फाउंडेशन से ही क्लियर करना है। तो ये हो गया लिपस्टिक कंप्लीट। आप चाहें तो इसके ऊपर ग्लिटर भी लगा सकते हैं, आजकल बहुत ग्लिटर का फैशन चल रहा है। अगर आप पूजा वगैरह में बैठते हैं या ऐसे, तो आप ग्लिटर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब मैं आपको ग्लिटर लगा के भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि हल्का सा हैवी हो गया है मेकअप। मैं सिंपल मेकअप सिखाया है आपको, लेकिन आप अभी हरियाली तीज भी आ रही है, तो आप पूजा में भी इस तरह से मेकअप कर सकते हो। ये स्वीस ब्यूटी का है। इस तरह से आप बीच में गोल्डन कलर लगा सकते हैं, बहुत शाइन आती है, क्योंकि ग्लिटर है फ्रेंड, तो बहुत अच्छा लगता है। अब आती है लास्ट में आपको फेस पाउडर की बारी। तो फेस पाउडर में आप लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कलर बार का फेस पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे नाइट को रेडी होना है, सॉरी दिन को रेडी होना है। अगर नाइट को रेडी होना है तो मैं फेस पाउडर यूज़ कर लेती हूँ, अगर मुझे दिन में रेडी होना है तो मैं लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ। ये लूज़ पाउडर क्या है फ्रेंड, एक तो ब्राइटनेस दे देता है, क्योंकि मेरा सांवला कलर है, और ब्राइटनेस के अलावा टिकता भी बहुत अच्छा है। अच्छे से लगा लीजिए। बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया। चलिए मैं ज्वेलरी पहन लेती हूँ। लास्ट जो बचता है ब्लशर, जो मैं ब्लशर भी यूज कर लेती हूँ। और मेरा मेकअप रेडी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा प्रोडक्ट भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और आप इस तरह से अपना मेकअप लुक दे सकते हैं। Yeah.